दोस्तों, हम आपको कुत्तों की कुछ ऐसी खतरनाक प्रजातियों से मिलवाने जा रहे हैं जिनके जबड़े शेर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इंसानों पर हमला करने की आदत रखते हैं और मुश्किल वक्त में अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी मार सकते हैं। इन प्रतिबंधित कुत्तों पर एक नहीं बल्कि कई देशों में प्रतिबंध लगाया गया है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम दुनिया में प्रतिबंधित कुत्तों की नस्लों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, अमेरिकन बुलडॉग। अमेरिकन बुलडॉग अंग्रेजी बुलडॉग नस्ल से संबंधित है। हालांकि ये इंग्लिश बुलडॉग अमेरिकन बुलडॉग से काफी बड़े होते हैं और इनकी लंबाई 50 से 70 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इन जानवरों का शरीर लगभग 30 से 60 किलोग्राम तक भारी हो सकता है। इन जानवरों के शरीर के अधिकांश अंग सफेद रंग के होते हैं। इसके अलावा इनके शरीर पर काले धब्बे भी पाए जाते हैं। इस वजह से ये जानवर देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। लेकिन उनकी सुंदरता से मूर्ख मत बनिए, क्योंकि ये जानवर खेतों की रखवाली करने और अपने मालिकों के प्रति वफादार होने के लिए जाने जाते हैं। अमेरिकन बुलडॉग परिवार के सदस्यों और बाहरी लोगों के बीच अंतर समझता है। इसी वजह से अगर कोई बाहरी व्यक्ति परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये कुत्ते उस पर बेरहमी से हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं। अगर इन्हें बचपन में ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया जाए तो ये जानवर परिवार के सदस्यों पर भी हावी हो सकते हैं। नंबर 2, पिटबुल। पिटबुल कितने खतरनाक होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको इंटरनेट पर कई ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जहां एक पिटबुल ने पास के दूसरे कुत्ते को पकड़ लिया है। इसके बाद भले ही मालिक इन्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश करे या फिर सामने वाला अपने पालतू जानवर को छुड़ाने के लिए सैकड़ों बार हमला भी कर दे, लेकिन इन जानवरों पर जू तक नहीं रेंगती। ये अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ते जब तक इन्हें शांति न मिल जाए। इन प्रतिबंधित कुत्तों को पालतू जानवरों के अलावा छोटे बच्चों पर भी हमला करते देखा गया है। कुछ अध्ययनों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इन जानवरों के 42 से 45% हमले इंसानों पर होते हैं और इंसानों पर 70% हमले छोटे बच्चों पर। ऐसे में यह कोई बड़ी बात नहीं है कि मूड खराब होने पर यह जानवर आपके घर में मौजूद छोटे बच्चों को भी बुरी तरह घायल कर सकता है। इसी वजह से कई देशों में इन्हें रखना प्रतिबंधित है और रखना गैर कानूनी भी। नंबर 3, बैंड डॉग। इन कुत्तों का उपयोग प्राचीन काल से ही घर की रखवाली के लिए किया जाता रहा है। पुराने समय में रात में जगह की रखवाली के लिए बैंड डॉग्स के गले में एक बड़ी जंजीर डालकर बांध दिया जाता था। हालांकि आज भी बैंड डॉग इस्तेमाल इसी तरह किया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में पाए जाने वाले बैंड डॉग दिखने में काफी बड़े होते थे और उतने ही खतरनाक भी, लेकिन आज उनकी नस्लें मिश्रित हो गई है। दरअसल अब इन बैंड डॉग्स को पिटबुल टेरियर और मास्टिफ के साथ मिश्रित प्रजनन द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए बैंड डॉग्स को पहले की तुलना में कम खतरनाक माना जाता है। फिर भी ये इतने तेज होते हैं कि अगर इन्हें मौका मिले तो ये सामने वाले को गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। इसलिए बैंड डॉग्स की नई नस्ल को हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। नंबर 4, नेपोलियन मास्टिफ। भूरे रंग के अलावा काले और गहरे भूरे रंगों में उपलब्ध नेपोलियन मास्टिफ कुत्ता आमतौर पर इटली और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। इनका वजन 90 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है और भारी शरीर के कारण ये जानवर बेहद खतरनाक दिखते हैं। यदि इन्हें बचपन से ही सही ढंग से प्रशिक्षित किया जाए तो ये अपना पूरा जीवन बड़े आराम से बिताते हैं। ऐसे बहुत कम मामले देखे गए हैं जब इन जानवरों ने किसी पर हमला किया हो। करीब 8 साल तक जीवित रहने वाला नेपोलियन मास्टिफ कुत्ता खुद को बचाने के लिए या किसी के द्वारा छेड़ जाने पर उसे धमकाने के लिए ही सामने वाले पर हमला करता है। हालांकि इन जानवरों के शांत स्वभाव के बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि इन कुत्तों को छोटे बच्चों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये जानवर है और उसके मन में क्या आएगा और ये जानवर कब किस व्यक्ति पर हमला कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। भले ही एक परिपक्व व्यक्ति इन कुत्तों के हमलों से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन बच्चे अपनी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें कई जगहों पर रखने से मना किया जाता है। नंबर 5, फिला ब्रासिलिरो। फिला ब्रासिलिरो कुत्ते जितने बड़े होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं। 65 से 75 सेंटीमीटर तक बड़े होने वाले ये भारी कुत्ते ब्राजील में पाए जाते हैं। अपने लंबे और चौड़े शरीर के कारण इन जानवरों का वजन 50 से 80 किलोग्राम तक भारी हो सकता है। इन कुत्तों को डॉग शो में सबसे अच्छे प्रतिस्पर्धी माना जाता है, लेकिन ये जितने अच्छे प्रतिस्पर्धी होते हैं उतने ही खतरनाक भी माने जाते हैं। इसी वजह से शो के दौरान भी इन जानवरों को छूना मना है। ये स्वभाव में बहुत क्रोधी और आक्रामक होते हैं। इसके अलावा फिला ब्रासिलिरो कुत्ते भी बहुत फुर्तीले होते हैं।
अगर आपने इन्हें एक बार भी छू लिया तो ये कुछ ही समय में आपकी जान के दुश्मन बन सकते हैं। जब तक ये अपने मजबूत जबड़ों और नुकीले दांतों की मदद से सामने वाले को गंभीर रूप से घायल नहीं कर देते, तब तक इन्हें चैन नहीं आता। इसलिए ज्यादातर लोग इनसे दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं और कई जगहों पर इन नस्लों के कुत्तों को रखना प्रतिबंधित भी है। नंबर 6, टोसा इनू। टोसा इनू कुत्तों को लड़ाकू कुत्तों के रूप में भी जाना जाता है। हाँ, ये कुत्ते लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। ऐसे में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई आम आदमी भी इनका शिकार बन जाए। इसके चलते कई देशों में इन जानवरों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। इनको पालना गैर कानूनी है। वैसे इन लड़ाकू कुत्तों की लंबाई 24 से 32 इंच तक बढ़ सकती है। इनका वजन 60 से 90 किलोग्राम तक भारी हो सकता है। नंबर 7, बोअर बोएल। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले बोअर बोएल कुत्ते बहुत ही खतरनाक और खूंखार होते हैं। ये दिखने में कुछ कुछ बैल की तरह दिखते हैं और बैल की ही तरह इनके शरीर पर भी भूरा रंग पाया जाता है। इन्हें आमतौर पर निगरानी कुत्तों के रूप में उपयोग किया जाता है और अगर मौका दिया जाए तो ये लकड़बग्घों के साथ साथ शेरों से भी लड़ सकते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी के द्वारा छेड़ा जाना सामने वाले को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर इन्हें बचपन में ठीक से प्रशिक्षित ना किया जाए या इनकी ऊर्जा सही जगह पर खर्च ना की जाए तो ये जानवर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि बोअर बोएल का आईक्यू स्तर हमारी सूची के अन्य कुत्तों की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए ये अपने और दूसरों में फर्क करना अच्छे से जानते हैं। हालांकि इसके बावजूद इन्हें रखना काफी खतरनाक माना जाता है। नंबर 8, वोल्फ डॉग। दोस्तों, कुत्ते आमतौर पर इंसानों के आसपास ही रहते हैं। ऐसे में कुत्तों और भेड़ियों के मिलन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन वुल्फ डॉग इन सभी सीमाओं को तोड़ देता है। यह विशेष प्रकार की प्रजाति भेड़िया और कुत्तों के मिलन के बाद उत्पन्न हुई है। कभी कभी इन जानवरों का स्वभाव कुत्तों जैसा लगता है तो कभी ये जानवर भेड़ियों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए बदलते रवैये के कारण ये जानवर कब और किस पर हमला कर दें इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जानवर कब हमारे हमदर्द बनेंगे और कब अपना मुंह मोड़ेंगे, वह इंसानों का दुश्मन बन जाएंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसी वजह से ज्यादातर लोग इन वुल्फ डॉग से दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं और कई जगहों पर इन पर बैन भी कर दिया गया है। वैसे क्या आपने कभी इन ठंडे और ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले जानवरों को देखा है? नंबर 9, प्रेसा कैनेरियो। स्पेन में पाए जाने वाले इन कुत्तों की उत्पत्ति कैनरी द्वीप समूह के पास हुई थी। कुछ काले और भूरे रंग में पाए जाने वाले इन कुत्तों की लंबाई 60 से 65 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है, जबकि इन कुत्तों का वजन 38 से 50 किलोग्राम तक हो सकता है। ये भारी और बड़े कुत्ते बहुत आक्रामक स्वभाव के होते हैं। अगर फुर्तीले शरीर वाले इन तेज रफ्तार जानवरों से दूरी ना बनाई जाए तो ये मौका मिलते ही सामने वाले को बुरी तरह से घायल कर सकते हैं। 2001 में एक 33 वर्षीय व्यक्ति पर प्रेसा कैनेरियो के एक जोड़े ने बेरहमी से हमला कर दिया और उस व्यक्ति की चोटों के कारण मृत्यु हो गई। उस घटना के बाद इन कुत्तों के प्रति लोगों का नजरिया बदल गया है। इसी वजह से कई जगहों पर इन कुत्तों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसलिए इनसे दूर ही रहें। नंबर 10, डोगो अर्जेंटिनो। इन कुत्तों को 1928 में ग्रेट डेन्स डोगो डी बोडो और आयरिश वोल्फ हाउंड्स जैसे खतरनाक कुत्तों की नस्लें पैदा हुई। आपको बता दें कि ये कुत्ते काफी आक्रामक स्वभाव के होते हैं। ये लड़ाकू कुत्ते मौका मिलते ही इंसानों पर हमला करने से नहीं हिचकिचाते। इसके अलावा कई लोगों का तो यह भी कहना है कि ये डोगो अर्जेंटिनो बड़े से बड़े जानवरों पर भी हमला करने में सक्षम है। इन कुत्तों को कुत्तों की लड़ाई की प्रतियोगिताओं में भी लड़ाया जाता है। अब इतना सब बताने के बाद स्वाभाविक है कि इन कुत्तों को अपने खूंखार रवैये के कारण अब तक करीब 10 देशों में बैन किया जा चुका है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रा भी ना भूलें।